नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडियाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपने चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फसल में इसका प्रयोग करने के बाद ये कैसे काम करता है, क्या चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से अलग है, हम कब अपने फसल में चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से फसल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सभी के बारे में जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले एक खास बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मिट्टी का पीएच ज़रूरत से ज़्यादा या कम होने लगता है, तब पौधा मिट्टी में मौजूद कुछ पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ रहता है। अगर इसको सिंपल तरीका से कहा जाए तो जब मिट्टी का पीएच फसल के अनुसार कम या ज़्यादा होता है, तब माइक्रोन्यूट्रिएंट के प्रयोग करने के बावजूद भी हमें उसका खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, और इसी वजह से चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट को बनाया गया है, क्योंकि मिट्टी का पीएच इसके ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है और इसके प्रयोग करने के बाद फसल में 100% रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में दो तरह के चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट देख रहे हैं, एक पाउडर फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है। इन दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि इसमें जिंक, मैंगनीज, आयरन और बोरॉन ये चार पोषक तत्व चिलेटेड फॉर्म में है और बाकी सारे पोषक तत्व नॉन चिलेटेड फॉर्म में है। ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, हालांकि बाजार में इसका अलग अलग फॉर्म में भी मिल जाता है, जैसे चिलेटेड जिंक, चिलेटेड मैंगनीज, चिलेटेड आयरन और चिलेटेड बोरॉन। इस तरह से बाजार में आपको अलग अलग फॉर्म में भी मिल जाता है। जब किसी भी न्यूट्रिएंट के ऊपर इथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म EDTA का कोटिंग चढ़ा दिया जाता है, तो उसे चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। EDTA एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मिट्टी में अधिक पीएच होने के बावजूद भी ये मिट्टी में किसी भी तरह का रिएक्शन करता नहीं है। ज़्यादातर आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरन और कॉपर में EDTA का कोटिंग चढ़ाकर इसे चिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये सारे पोषक तत्व अल्कलाइन सॉयल के साथ रिएक्शन करते हैं और मिट्टी में पोषक तत्व के प्रयोग करने के बाद भी ये फसल को मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में इन पोषक तत्व का प्रयोग करने के बाद भी पौधे को इन पोषक तत्व मिल नहीं पाते हैं। इससे पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखाई देता है। जब चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग किसी भी माध्यम से फसल में प्रयोग किया जाता है, ये पौधे के अंदर जाने के बाद इसका EDTA कोटिंग ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलीज होकर पौधे को आसानी से प्राप्त हो जाता है। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर EDTA का ऑर्गेनिक कोटिंग होने के कारण साधारण माइक्रोन्यूट्रिएंट के मुकाबले पौधे के पत्तियां इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह ऑर्गेनिक कोटिंग एक वैक्सी टाइप का होता है जो कि पत्तियों के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। इसीलिए फसल में चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के प्रयोग से चाहे कंडीशन कैसा भी हो, रिजल्ट हमेशा 100% ही मिलता है। इसके साथ एक और खास बात, सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को चिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता। केवल जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कैल्शियम और कॉपर को ही चिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मार्केट में आपको इन 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म या फिर अलग अलग फॉर्म में मिल जाते हैं। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप फसल के किसी भी स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप पौधे के ग्रोथ स्टेज में या फिर फ्लावरिंग स्टेज में या फ्रूटिंग स्टेज में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलता है।
फसल में चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के प्रयोग करने के बाद यह पौधे में बहुत जल्दी से काम करना चालू कर देता है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के प्रयोग से फसल हरा भरा होने के साथ साथ यह पौधे में फूलों की संख्या की भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें मौजूद जिंक, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन फ्लावर बूस्टर है, यानी कि ये फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के प्रयोग से पौधे का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है तथा फल चमकदार बनते हैं। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप सभी तरह के वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज और कीमत की अगर बात करें तो ये नॉर्मल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मुकाबले कुछ अलग नहीं होता है। जो पाउडर फॉर्म में आप देख रहे हैं उसका डोज 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से और लिक्विड फॉर्म 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना होता है, और इसका कीमत 600 से 900 रुपये प्रति लीटर या किलोग्राम अलग अलग कंपनी का बाज़ार में मिल जाता है। अगर ये चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इस वीडियो में आपके लिए एक खास बात यह है कि अगर आपके फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है या फिर फ्रूट सेटिंग नहीं हो रहा है तो आप एक बार चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करके देखिए, क्योंकि इसके प्रयोग करने से फ्लावर ड्रॉपिंग भी बंद हो जाता है और पौधे में फ्रूट सेटिंग भी होने लगता है। अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।